अच्छा यहाँ पे जो है आप मानसरा में नीचे उतर सकते हैं क्याम, तो हम अगर खाना वाना खाना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, तो ये सामने भी है होटल, इस साइड भी है, और इस साइड में भी ये जो है हज़ारा मोटरवे पे मानसरा के साइड पे ये क्याम तो हम फ्यूल पंप, और ये आप कर सकते हैं। आगे मुझे लगता है फिर है उस्ताद जी, इससे आगे फिर नहीं है। अच्छा इंटरचेंज से नीचे उतर सकते हैं, ठीक। तो ये एक दो पाकिस्तानी देखें चारपाई के ऊपर बैठे हैं मोटरवे पे, तो हमारा सफ़र जो है वो जारी है, और आगे जो है एक इंटरचेंज आ रहा है मानसरा का, तो यहाँ पे जो है मानसरा के लिए इंटरचेंज है। आपने मानसरा के लिए अगर उतरना है तो ये 2 किलोमीटर पे मानसरा का इंटरचेंज, आगे जो है बोर्ड लगा हुआ है सीधा गलगित। मानसरा का एग्जैक्ट मानसरा यहाँ से जो है मानसरा का एग्जैक्ट है, और लेकिन हम सीधे जाएंगे, हमारा सफ़र आगे है इंशाल्लाह बटाग्राम तक। तो बटाग्राम तक इंशाल्लाह जो सफ़र है वो हम आपको दिखाएंगे, और ये एक खूबसूरत व्यू। आगे जो है ये फिर टूल प्लाजा, अच्छा टूल प्लाजा से जो है यहाँ पे कार्ड चेंज करेंगे, और टूल प्लाजा यहाँ पे जो है आप अपना रिचार्ज करेंगे कार्ड को, और आगे जाने की इजाज़त लेंगे। ये आ गया टूल प्लाजा, कहाँ पर है ज़बरदस्त किस्म का, और टूल प्लाजा से आगे जो है ये फिर टनल है, और उस्ताद जी बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा टनल है, तो इंशाल्लाह इस टनल का व्यू जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये सिंगल है, सिंगल रोड है ना, यहाँ तक डबल है, तो ये जो है यहाँ तक जो है रोड सिंगल है डबल है, इससे आगे जो है फिर बटाग्राम थाकोट तक जो है वो रोड जो है वो सिंगल है। तो ये अब हम यूँ समझ लें कि ये काफ़ी बड़ा टनल है, इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, और 2528 मीटर है ये, और यहाँ से जो है गाड़ियाँ जो है सिंगल रोड वन वे स्टार्ट हो जाता है। तो ये आगे बटाग्राम बिशाम तक जो है ये वन वे है, और इस पे थोड़ा सा आपने गाड़ी एहतियात से चलाना है। तो यहाँ तक तो डबल था, यहाँ से जो है वन वे स्टार्ट हो गया, लेकिन ये टनल जो है माशाल्लाह टनल की खूबसूरती, और आगे हम जब निकलेंगे तो फिर हम आपको इसका और एग्जैक्ट हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। टनल से जो है निकल आए हैं, मानसरा टनल इसको कहते हैं, और यहाँ पे जो है अब इससे आगे जो है गाड़ी मोटरवे जो है सिंगल रोड है। तो ये सीन है मानसरा का, जो है मानसरा का एक टनल हो रहा है, ये आप व्यू देखें मानसरा का, ठीक है भाई पता कर दे, मैं बटाग्राम है जुड़ना ना मानसरा यार है, ये मानसरा का व्यू है मानसरा शहर का, और कितना खूबसूरत नज़ारा है मानसरा का, बहुत बड़ा शहर है मानसरा, कोई छोटा शहर नहीं है। ये जो है मानसरा,
मानसेरा है, और मानसेरा से जो आगे है फिर बटल चतर, फिर बड़ग्राम, बड़ग्राम से आगे थाकोट बिशाम। तो ये हम आपको इसका दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे रोड जो है बहुत एहतियात से, गाड़ी जो भी हमारे भाई आ रहे हों यहाँ पे, तो इससे आगे जो है रोड वन वे है, सिंगल है, तो गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी है ताकि कोई हादसे का सबब ना बने। तो दोस्तों अपने इस रोड पे जो है ओवरटेक का बहुत एहतियात करना है, और मेरे हिसाब से ये जो वन वे है, मोटर वे है, लेकिन है बहुत ख़तरनाक, आपने बहुत एहतियात करना है इसके ऊपर। और गाड़ियां बहुत स्पीड में जाती हैं, लेकिन आपने एहतियात बहुत लाजमी करना है। अगर जो भी आदमी मेरा भाई जो है गाड़ी में आ रहा है तो लाजमी एहतियात करें, क्योंकि वन वे है तो ट्रैफिक उधर से भी आ रही है, यहीं से इधर से भी जा रही है, तो बहुत लाजमी एहतियात करना है इसके ऊपर। हाँ जी, ये है थाकोट शाते डोडियाल, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आगे जो है बहुत ज़बरदस्त सीन है, पहाड़ों पे बादल है और बहुत खूबसूरत व्यू है। ये दोस्तों हवेलियाँ एग्जैक्ट यहाँ पे है, हवेलियाँ एग्जैक्ट का, और सीधा जो है आगे थाकोट। तो लेकिन असल में इस मोटरवे का जो है काफ़ी ये लिंक है, और अभी इसको पूरा कवर नहीं किया है, बंद नहीं किया। तो ये आगे पहाड़ देखें, कितना खूबसूरत पहाड़ और उसमें इतनी खूबसूरत आबादी। ये आबादी है, एक खूबसूरत मस्जिद है इसमें, इस गांव में। ये अच्छा दोस्तों, कॉल आ गई, मैं इस वीडियो को स्किप करता हूँ, लेकिन सीन बहुत अच्छा था, मैंने स्किप नहीं की। मैं क्योंकि मैं सफ़र में हूँ, बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई गाड़ी कहाँ लेके आनी है, लेकिन वीडियो बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने उसको स्किप नहीं किया। ये बफा शिनक्यारी माशाल्लाह, शिनक्यारी जो है बहुत खूबसूरत है, क्या बात है जी, जमा खुदा। तो ये जी बहुत ज़बरदस्त इस वक्त सीन है, यहाँ पे टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं, और टमाटर जो है यहाँ पे ये लोग खुद उगाते हैं, यहाँ का टमाटर बहुत ज़बरदस्त है। ये यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है, और ये सीन है यहाँ का। अच्छा, बीच में कॉल आ जाती है, तो वो कॉल ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है, बीच बीच में मुझे कट लगाना पड़ जाता है। तो ये जो है यहाँ पे टमाटर, और टमाटर के साथ यहाँ पे जो है मुर्गी फार्म वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, एरिया जो है टमाटर का है, और माशाल्लाह टमाटर यहाँ पे टमाटर ही टमाटर होते हैं। ये देखें रोड पे साइड पे
ये टमाटर, ये टमाटर, और ये टमाटर जो है हर जगह 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 में आपको मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पे टमाटर के बागात हैं बहुत बड़े बड़े, ये नज़र आ रहे हैं आप, काफ़ी बड़े बागात हैं टमाटर के। तो ये जो है लोगों ने टमाटर साइड में रखे हुए हैं बेचने के लिए, जगह जगह पे टमाटर हैं और ये बागात हैं सारे टमाटर के। मैं कोशिश करूंगा इसको कवर नहीं करने की, अगर किसी ने बीच में कॉल नहीं की, क्योंकि मुझे कॉल ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। ये टमाटर बच्चे बैठे हुए साइड में और टमाटर ही टमाटर है। अच्छा, यहाँ पे एक लिंक जो है कट हो रहा है, कोरे आगे जो है ताकोट लिखा हुआ है। ये बाबा जी खड़े हैं टमाटर के लिए। उस्ताद जी, टमाटर की बोरी कितनी की होगी थैली? 200 की। सस्ते हैं फिर? हाँ, अच्छा, ये पूरा 5 किलो? अच्छा, फिर तो सही। ये जो जबरदस्त आगे जो है एक छोटा सा ब्रिज आ रहा है लोगों के लिए, और ये यहाँ का सीन है। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको ये पूरा कवर कर सकूँ। एक एक जगह, एक एक गांव, ये सामने पोल्ट्री फार्म, तो ये हम उस्ताद जी ने दूसरी साइड से अवॉइड कर दिया ताकि हमारे सफ़र में खलल नहीं पड़े और हम सीधे जाएं। अच्छा, ये मोटरवे का जो है चाइना का हमला है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये आपको यहाँ का सीन अभी दिखाएंगे। ये हम पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं। क्या बात है जी, इसको ये जो है यहाँ पे, अच्छा नाशपति जो है वो भी लोग लेके बैठे हुए, और ये सीन है जी। टमाटर भी है, नाशपति भी है, और बंदे बैठे हुए अच्छे रोड साइड पे। ये दोस्तों देखें, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये पुराना जीटी रोड है, और ये मोटरवे है। इस रोड पे हम पहले सफ़र करते थे, यहाँ पे इसको हम काफ़ी, ये यहाँ पे चढ़ाई होती थी। तो ये जो है, लेकिन इस मोटरवे की वजह से यहाँ इस पूरे इलाके का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो गया है।
इस साइड पे जो आबादी थी, इस साइड पे जो लोग थे, उनके लिए बहुत सहूलत, किसी नेमत से कम नहीं। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा पुराना जीटी रोड। अब यहाँ पे जो है आगे भी एक टनल आएगा, कितने फासले पर है लेकिन ये नहीं पता, लेकिन आएगा। ये देखें एक गाड़ी जो है नीचे गिरी हुई है, तो ये मैं आपको नहीं जी दोस्तों। अब दिन दहाड़े सुजुकी वाले ने लाइट जलाई हुई, लगता है आगे टनल है। तो हम जो है इस वक्त अभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन आगे जो है आगे के नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में लाजमी कमेंट में करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी इसके बारे में कुछ कहें, लाइक और शेयर लाजमी करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह हम आपको ये पूरे सेक्शन हम आपको दिखाएंगे और शेयर कराएंगे, हज़ारा मोटरवे बटकराम। और इस सेक्शन का नाम है मस्कट टू पाकिस्तान। ये आ गया टनल, तो टनल लग रहा है छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। और इसमें जो है अंधेरा है। ये जी हम टनल से निकल आए हैं, माशाल्लाह क्या सीनरी है, क्या बात है। इमरजेंसी हेल्पलाइन 130। और ये देखें स्लाइड लेट स्लाइडिंग के लिए ऊपर इन्होंने ये चीज़ की हुई है, ताकि ये जो है कोई चीज़ पत्थर जो है नीचे ना आए। चाइना वालों की बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, और वाकई में जो है नीचे साफ़ सुथरा है। तो ये जो है हेल्पलाइन जो है आपको मोटरवे की नज़र आ रही है, आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो 130 पे आप कॉल कर सकते हैं। आगे टोल प्लाजा आने वाला है 2 किलोमीटर पे। और ये आबादी देखें, यहाँ की आबादी पहाड़ों में आपको बकरियाँ और ये नज़र आ रहे होंगे, कितनी हाइट पे जो है ऊपर है टोल प्लाजा 1 किलोमीटर। और ये सामने देखें पहाड़ों पे, यहाँ पे कितने पहाड़ों पे कितने खूबसूरत तरीके से इनके घर बने हुए, और कितने ज़बरदस्त व्यू है। ये यहाँ पे टूल प्लाजा आ गया है, और इस टूल प्लाजे को हम फिर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये टूल प्लाजा है।